पुराने जमाने की अनूठी फोटोकॉपी मशीन। आज की फोटोकॉपी मशीन को देती है मात। देखिए पुराने जमाने की अनूठी फोटोकॉपी मशीन। आज के दौर में देख रही है कि पलक झपकते ही किसी भी दस्तावेज या प्रति की अनेकों फोटोकॉपी हमें हासिल हो सकती है, सिर्फ एक बटन दबाने भर की देर है। एक दौर वो भी था जब किसी भी दस्तावेज या प्रति की हूबहू कॉपी होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। आज हम एक ऐसी ही फोटोकॉपी करने वाली मशीन की बात कर रहे हैं, जिसको तब मेरठ में रहने वाले युवा मोहम्मद यामीन कुरैशी ने ईजाद किया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 60 के दशक की। उस वक्त मेरठ के इस नौजवान ने 1962 में हस्तनिर्मित फोटो टेस्ट की मशीन बनाकर लोगों का काम आसान कर दिया था। यह मशीन उस वक्त पूरी तरह से मैनुअली थी। इस फोटोकॉपी मशीन को तब नाम दिया गया था सेल्फ राइजिंग डुप्लीकेटर। आप देख सकते हैं ये बुकलेट है, इसको नाम इसका रखा सेल्फ राइजिंग डुप्लीकेटर। दरअसल जैसे कोई भी आप चीज लिख लें और उसके बाद उसको प्रिंट निकलते जाते थे और मुश्किल से सिर्फ एक मिनट में ये एक प्रिंट निकल जाता था। इसका फायदा ये होता था कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा फोटो स्टेट, क्योंकि उस जमाने में सब कुछ हाथ से लिखा जाता था, तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ। मोहम्मद यामीन की उम्र इस वक्त करीब 88 वर्ष है। मेरठ के एक जमींदार परिवार में पैदा हुए मोहम्मद यामीन के पास इमाम ऐसे अखबार और पत्र पत्रिकाएं हैं जिनमें उनके तमाम कार्टून छपा करते थे। उसी दौरान तब की जो प्रिंटिंग प्रेस चला करती थी उसी से आइडिया लेकर उन्होंने फोटोकॉपी मशीन तैयार की थी। दरअसल मेरे बराबर में बैठे मेरे वालिद, कुछ बोलने में तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैं ही बोल पा रहा हूँ, वो पूरी बात का सही तरह जवाब नहीं दे पा रहे थे इसलिए। और इस वक्त उनकी उम्र का लगभग 88 साल के करीब हो गई है, थोड़ी सी याददाश्त की भी दिक्कत है। उनके छोटे बेटे इमरान ने बताया कि इस वक्त उनकी कुछ याददाश्त भी कमजोर हो गई है, बोलने में भी उन्हें अब समस्या होती है। उन्होंने बताया कि उन्हें गर्व है अपने पिता पर कि उनके पिता ने एक ऐसी खूबसूरत नयाब मशीन उस वक्त तैयार की थी जिससे कि हर किसी का काम उस वक्त आसान हो गया था। ये वाकई अपने आप में एक बहुत बड़ा इन्वेंशन था, बहुत बड़ा आविष्कार रहा, और मुझे भी इस बात का फ़ख्र है कि मेरे वालिद मोहतरम ने इतनी बड़ी चीज़ बनाई और जिससे आज पूरा मुल्क, पूरी दुनिया फ़ायदा उठा रही है। ये बात तकरीबन सन 1962 की है जब मेरे वालिद ने ये फोटोशेट मशीन को ईजाद किया। उस वक्त इस मशीन को 7 से 8 रुपए में तैयार किया गया था और एक फोटोकॉपी होने में तब 1 से 1.5 मिनट लगते थे। मोहम्मद यामीन के पुत्र इमरान बताते हैं, हालांकि धीरे धीरे इसमें उनके पिता बदलाव तब करते गए और फोटोकॉपी होने में फिर समय भी कम लगने लगा था। जो इन्होंने मशीन बनाई उसकी कीमत लगभग उस जमाने में 7 या 8 रुपए में ही तैयार हो गई थी, क्योंकि उस जमाने में इतना महंगाई नहीं थी। आप मशीन को देख सकते हैं, अब इसकी आज भी इंक वो मौजूद है, मेरे पास ही मशीन मौजूद है, इसकी इंक आज भी है, आज भी कुछ थोड़ा बहुत इसमें लिक्विड है ये, और ये इस्तेमाल की जाती थी इसमें। और मशीन आप देख ही रहे हैं, इसमें तमाम पूरा प्रोसेस है इसका, और आज ये डेमो के तौर पर बची है। इसमें जो स्याही उपयोग में उस वक्त लाई जाती थी वह भी देश के बाहर से ही आती थी। परिवार के लोग कहते हैं कि उनके पिता की यह फोटो स्टेट मशीन उन्होंने अनमोल धरोहर के तौर पर संभाल कर रखी हुई है। इसको लेकर लोगों में जिज्ञासा होती है और कई बार लोग आकर इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।